सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो पोषण ट्रैकर ऐप पे कार्य कर रही सभी आंगनवाड़ी बहनों के लिए विभाग के तरफ से एक निर्देश दिया गया है कि जितने भी आंगनवाड़ी सेविका बहनें पोषण ट्रैकर ऐप पे काम कर रही हैं वो गलत एंट्री नहीं करें। जैसे कि गलत एंट्री में क्या है, बच्चों की जो ग्रोथ मॉनिटरिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे कई आंगनबाड़ी सेविका बहनों द्वारा गलत एंट्री की जा रही है। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम ही है कि पोषण ट्रैकर ऐप पे जो आप लोग वर्क करते हैं उसका डेटा विभाग के पास पहुँच जाता है कि आप लोगों के द्वारा क्या किया गया है पोषण ट्रैकर ऐप में और क्या क्या गलत एंट्री की गई है, इन सभी की जानकारी विभाग के पास पहुंच जाती है। तो विभाग के द्वारा देखिए निर्देश दिया गया है कि जितने भी सेविका बहनें पोषण ट्रैकर ऐप पे काम कर रही हैं वो खासकर बच्चों का जो ग्रोथ मॉनिटरिंग होता है उसमें गलत एंट्री ना करें। देखिए विभाग की तरफ से एक मीटिंग की गई है जिसमें कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग के दौरान क्या कुछ कहा गया, आइए इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो जैसा कि अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पोषण ट्रैकर ऐप पे जो गलत फीडिंग की जा रही है उसको लेकर यहाँ पे पेपर कटिंग में क्या कहा जा रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है पोषण ट्रैकर ऐप पर गलत फीडिंग नहीं होनी चाहिए, CDO यानी कि CDO के द्वारा निर्देश दिया जा रहा है कि आप लोग जो भी पोषण ट्रैकर ऐप पे गलत फीडिंग कर रहे हैं उसको नहीं करनी है। देखिए लिखा गया है नीचे, विकास भवन सभागार में गुरुवार को जिला पोषण समिति की मीटिंग हुई। CDO जग प्रवेश ने पोषण ट्रैकर ऐप पर बच्चों का सही आंकड़ा फीड करने की हिदायत दी है, साथ ही कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की सूची तैयार कर रजिस्टर अपडेट करने को कहा गया है। जैसे कि पोषण ट्रैकर ऐप पे जो बच्चों की डिटेल्स होती है कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की यानी सैम और मैम बच्चों की, तो उसकी जो डेटा है वो तैयार करने के लिए बोला गया है, जो रजिस्टर है वो अपडेट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। और देखिए आगे क्या कहा गया है, CDO ने कहा कि कुपोषण के कलंक को मिटाने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा गया है, साथ ही अति कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र पर भर्ती कराने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। जैसे कि जो अति कुपोषित बच्चे होते हैं जिनके लिए पोषण पुनर्वास केंद्र बनाया गया है तो वहाँ पे उनको भेजने के लिए भी निर्देश दिया गया है कि अगर आपके केंद्र पे कोई भी ऐसे बच्चे हैं जो अति कुपोषित हैं उनको पोषण पुनर्वास में भेज कर उनकी जो ट्रीटमेंट होती है वो वहाँ पर की जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार के बच्चों को वहाँ पर भेजा जाएगा। इस मौके पर DIOS और जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं और भी कुछ लोग हैं जो इस मीटिंग में शामिल थे और मीटिंग में शामिल के दौरान ये सारी बातें कही गई कि पोषण ट्रैकर ऐप पे जो जो गलत फीडिंग की जा रही है उस पर रोक लगाना है और आप लोगों के द्वारा जो भी गलत फीडिंग की जा रही है उसको सही करना है। तो सभी सेविका बहनों से अनुरोध है कि पोषण ट्रैकर ऐप पे जब भी आप लोग काम करें तो कोई भी डेटा गलत ना चढ़ाए। जो भी एक्चुअल डाटा होता है जो आप लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं तो ग्रोथ मॉनिटरिंग आप लोगों को सही सही फीडिंग करनी है, कोई भी गलत एंट्री वहां पे आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी सेविका बहनों का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।